रात में छत पर ही तुम्हारा इंतजार करता रहा। सोचा आज तो बहुत ज्यादा परेशान होगे तो जरूर आओगे। छत पर इसलिए जाता हूँ कि तन्हाई में सुकून से परेशान हो सकूं। अब तन्हाई कमरे में भी है तो अपनी परेशानी के मजे वहीं लूटता रहूं। उमर जी। उमर जी अब्बा, मैं तैयार हूँ, चलें। नहीं, काम में देख लूंगा, तुम वो जाओगे उसको, माही को लेने के लिए जाओगे उसे मनाने। उसे मना किया। इतने दावेदार तो नहीं है तुम अपनी बीवी के कि उसके कहे हुए हर हुक्म को मान लो। अब एक मिनट, उसने कहा और तुमने मान लिया। हाँ, उसका कहा तुम पे फर्ज हो गया। आगे तो हर चीज की मनमानी करते फिरते हो, जो दिल चाहता है करते हो। ऐसे कमाल है, आप हंस रहे हैं मंसूर भाई। और अब्बा, आप मुझे मनमानी के ताने दे रहे हैं। अगर मैंने मनमानी करनी होती तो उमर, उमर बात तो सुन। उमर ये तुम क्या कह रही हो? माही तो जब भी आई उसने हमेशा अपने ससुराल वालों की तारीफ ही की। जब भी पूछा उमर और सब ससुराल वाले उसके साथ कैसे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, यही कहा उसने। अच्छी होती तो इस तरह यहाँ आके ना बैठती। जितना बर्दाश्त कर सकी कर लिया सब्र। और वैसे भी जकिया, ऐसी बातें लड़कियां सखी सहेलियों से ही करती हैं, माँ को परेशान नहीं करती। मेरी रोशनी से कोई भी राज नहीं छुपा हुआ। रोशनी ने मुझे बताया है कि इसके ससुराल वाले इस पर बहुत जुल्म करते हैं। उमर और इसके सारे घर वाले बड़े कोई खड़ूस किस्म के लोग हैं। यतीम बच्ची है, उनका अपना खून है, ख्याल तो करना चाहिए था। चलो जकिया, मैं चलती हूँ। वो रात में मुझे एक हकीके में जाना है। वो तो मुझे पता चला कि माही आई हुई है तो से रहा नहीं गया। माही बिल्कुल मेरी रोशनी जैसी है। जकिया परेशान मत हो, चलती हूँ। अरे तुम होश में तो हो जकिया? तुम्हारे भाई साहब खुद खर्चा देते रहे हैं माही को, और मैंने तो उमर को जबरदस्ती माही के साथ भेजा खरीदारी करने के लिए, और तुम कह रही हो कि हमने उसे खर्चे से तंग रखा। ए, खुद तो कभी ईद बकराईद के अलावा किसी बच्चे को नया जोड़ा नहीं बना कर दिया, अब कह रही है। जबान संभाल कर बात करो जकिया, और बुलाओ जरा माही को, बुलाओ। मेरे सामने कहे वो सारी बातें जो तुमसे कही है उसने, हद होती है कोई झूठ की भी। झूठ बोल रही है ये, सरासर झूठ बोल रही है। अरे माही तो ऐसी लड़की है ही नहीं जो कोई गलत बात करे, ये तो खुद फसादन है। चलो अब ये इल्जाम भी ना उमर के सर लगा दो। अरे उमर ने तो कभी माही से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अरे कोई खुदा का खौफ नहीं है तुम माँ बेटी को। ठहर जा जकिया, मैं खुद आ रही हूँ, आके तेरी मिट्टी झाड़ती हूँ, तेरी बेटी का भी मिजाज दुरुस्त करूंगी। लोग अजब खुदा का, सारा कुछ हमने किया, इतना लाड प्यार दिया और सारा कुछ खून में डाल दिया। सुन लिया? तौबा तौबा, अजब खुदा का, कैसी और बेफैज माँ बेटी। देख लिया अम्मा कैसा कैसा इल्जाम लगा रही है माही हम पर। आने दे फरीद को, सब बात मैं उसको बताऊंगी। क्या नहीं किया उसके लिए? अच्छा अम्मा मिर्चे लगी।